हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आप लोग पूछ रहे थे कि नेक्स्ट सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये कब होंगे, जनवरी 2025 में होंगे या दिसंबर 2024 में होंगे, और सीटेट का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इसी साल डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है या बीएड में एडमिशन लिया है, जो फर्स्ट ईयर में है, क्या वो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर वो पास कर लेते हैं तो क्या ये उनका सीटेट का एग्ज़ाम वैलिड माना जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट, ये जनवरी 2025 में ही होने के चांसेस है। ओके फ्रेंड्स, और इसके लिए जो फॉर्म है ये आपका अक्टूबर या सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इसी साल एडमिशन लिया डीएलएड या बीएड में, अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो फ्रेंड्स आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हो और ये आपका वैलिड भी माना जाएगा अगर आप पास कर लेते हो तो। ओके फ्रेंड्स, सीटेट में पास होने के लिए फ्रेंड्स देखिए, सेंट्रल लेवल पर अलग क्राइटेरिया है, पासिंग मार्क्स अलग निर्धारित किया गया है, और बिहार में अलग है। जैसे आप बिहार में सीटेट पास करना चाहते हो तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरे हो तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको सेंट्रल लेवल पर 90 लाना होगा, लेकिन बिहार में वहीं पर फ्रेंड्स अगर आप जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हो, गर्ल्स हो, तो जनरल से फॉर्म भरे हो 90 से कम आया है, आपका 82 तक भी आया है तो भी आप पास हो, क्योंकि बिहार में आपको बीपीएससी जो है इतने नंबर पर पास मानता है, 82 मिनिमम। वहीं पर अगर आप एससी एसटी या जो पीएच कैटेगरी का स्टूडेंट है उनके लिए फ्रेंड्स 75, लेकिन सेंट्रल लेवल पर आपको 82 लाना होगा। वहीं पर ओबीसी ईबीसी बीसी वन को तो सेम ही है पासिंग मार्क्स, 82 नंबर सेंट्रल लेवल पर और बिहार में भी। बाकी फ्रेंड्स TRE4 की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे पास करके।